ओ हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है जिसको मैंने भून लिया है, थोड़ा सा घी डाल के, सिर्फ 2 चम्मच। ये गाइस 700 ग्राम है। और तो गाइस, यहाँ पर मैंने 700 ग्राम सूजी ली है और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जो कि मैंने कट कर कर धो भी लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कट करके गाइस मैंने धो भी लिए हैं। यहाँ पर ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। नीचे गाइस इसका कोकोनट भी है, ये आ रहा है, देखिए। ये भी मैंने ऐसा रफली चॉप कर लिया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया है। और काजू लिया है जिसमें मैंने, और बादाम है और किशमिश है। और गाइस, ये हमारी सूजी थी जो मैंने भून ली थी, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो गाइस आइए हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होएगा। तो गाइस, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें अपना रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। गाइस आप घी भी ले सकते हैं, घी में और ज़्यादा स्वाद आएगा। लेकिन गाइस हमारे यहाँ पर सब घी को थोड़ा, मतलब गले में उनके ख़राश हो जाती है, इसलिए मैं तेल में ही पकाती हूँ, रिफाइंड ऑयल में। इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस अब मैं इसमें अपने पहले ड्राई फ्रूट्स जो हैं भून लूँगी, ये देखिए फ्राई कर लूँगी। तो गाइस मैंने हल्का मीडियम तेल गरम किया है और इसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भून रही हूँ, ये देखिए अच्छे से। गाइस हम इसको हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई कर लेंगे। तो गाइस अब हम इनको लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर हम इनको अलग कर लेंगे इस तेल से, ठीक है? चलिए हम इनको अच्छे से भून कर अलग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स मैंने हल्के से गोल्डन ब्राउन किए हैं, इनको ज़्यादा नहीं किए हैं, ये आप देख सकते हैं। बस गाइस इस स्टेज पर आकर हमें इनको अपने तेल से अलग कर लेना है और ये बिल्कुल हल्के हल्के, मतलब गोल्डन फ्राई करने हैं, हमें ज़्यादा नहीं करने हैं। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं, बस हम इनको तेल से अलग कर लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को। ये देखिए बहुत प्यारे हो चुके हैं ये बिल्कुल पककर। अब हम मैं इनको निकालेंगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जितने भी, वो सब मैंने फ्राई कर लिए। ये देख सकते हैं आप इनका टेक्सचर ही कैसे हैं, ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस ये सूजी का जो हमारा हलवा है, ये बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा गाइस, और ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो गाइस अब हमने इनको निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स को, इसके बाद अपना तेल इसमें रख दिया है गर्म होने के लिए, थोड़ा और डाल दिया है मैंने, अब इसको हम गर्म करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसके बाद हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। तो गाइस जितनी हमारी सूजी है, हम उसी हिसाब से डालेंगे अपनी चीनी। तो गाइस अगर हमारी 700 ग्राम चीनी है तो गाइस बस उससे थोड़ी सी कम, आप 500 या 400 ग्राम ले सकते हैं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं शुगर। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है 400 ग्राम चीनी। इसके बाद गाइस हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। तो गाइस पानी हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे कि हमारा हलवा जो है ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा सूखे भी ना। तो गाइस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अपना पानी। तो गाइस हमने चीनी डाल दी, अब हम इसमें उबाल आने का वेट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अभी। तो गाइस यहाँ देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है। इसके बाद गाइस हम हमारी जो भुनी सूजी है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो गाइस सूजी को हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे और चलाते जाएंगे ऐसे, देखिए। तो गाइस आप चाहे तो इसे बहुत पतला रख सकते हैं और चाहे तो इसे थोड़ा गाढ़ा भी पका सकते हैं, थोड़ा जमाने वाला भी पक जाता है गाइस ये। तो हमने थोड़ा पतला वाला ही रखा है जो मतलब पक कर अच्छा हो जाए। और गाइस चीनी का घोल पक चुका था बहुत अच्छे से, ये देखिए गाइस। अब हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। और गाइस अब हमें इस स्टेप पर आकर इसे बिल्कुल चलाते ही रहना है, रुकना नहीं है, वरना ये लग जाएगा नीचे। बस गाइस को ऐसे चलाते रहिए। बस
तो गाइस देखे तो अब हमारा हलवा ये पक चुका है, मैंने मिक्स कर लिया है। अब गाइस हमने तो अपने इसमें ड्राई फ्रूट्स भुने थे, उनको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ये देखिए गाइस हम अपने इसमें ड्राई फ्रूट डाल चुके हैं। अब गाइस हम इसको मिक्स करेंगे। वाओ गाइस, वाओ माशाल्लाह बोल दीजिए गाइस। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस अब हम इसको अपने हलवे को। ये देखिए बहुत दानेदार पककर रेडी हुआ है गाइस। ये आप देख सकते हैं कितना दानेदार पका है। ये देखिए एक एक दाना गाइस, ये देखिए वो ही कहते हैं गाइस असली हलवा। और ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसमें गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं वो हमारा क्या लाजवाब बना है। गाइस कैमरा हिलने के लिए सॉरी, और ये थोड़ा बार बार फोकस हो रहा है क्योंकि गाइस मेरा हाथ एक ही है पकड़ने के लिए। और आपको मैं बता दूं, मुझे इसे बताने को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मेरा ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास कि जिससे मैं एक अच्छी सी वीडियो शूट कर सकूँ। तो गाइस जो भी ये शूट हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा हलवा पककर बिल्कुल रेडी है गाइस। आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है, आपको दिख रहा होगा कितना दानेदार बनकर रेडी हुआ है हलवा। और ये गाइस शब रात के दिन मैंने बनाया है, जो 15 शाबान को बनाते हैं। ये गाइस मैंने सिन्नी बंटवाने के लिए बनवाया है, जो हमारे यहाँ पर बांटते हैं गरीबों में। गाइस ये हम गरीबों में बांटेंगे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बनकर रेडी हो चुका है हमारा हलवा। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और हमारा लाजवाब हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि हम 15 शाबान के लिए बनाया है। ओके गाइज़ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।